ये खबर कटनी से है, जहां नगर निगम क्षेत्र झिझड़ी के बर्मन मोहल्ला के मुख्य मार्ग को बाउंड्री बनाकर बंद किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बिलहरी रोड में झिझड़ी में नहर की जमीन पर शहर के बड़े व्यापारी व भू माफिया के द्वारा सड़क किनारे लंबी बाउंड्री कर दीवार खड़ी कराई जा रही है, जिससे करीब 300 लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बाउंड्री वॉल की वजह से स्कूली बच्चों को भी आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या से एसडीएम को अवगत कराया। अभी ये जानकारी मिली है और इसकी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और आज ही पटवारी आरआई को भेज कर इसका मौका जांच करवाया जाएगा और तहसीलदार साहब भी जाके वहाँ पे विधिवत जांच करेंगे। अगर सरकारी जमीन बन रही है तो बाउंड्री वाल को हटाया जाएगा और लोगों को, विद्यार्थियों का, आम जनता का, जो वहाँ के निवासी हैं, उनका रास्ता बंद न हो, इस बात की पूरी समुचित व्यवस्था करवाई जाएगी। हमारे कलेक्टर महोदय तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये झिझड़ी महाराणा प्रताप वार्ड नंबर 43 की समस्या है। ये बहुत पुराना रास्ता है और इस रास्ते पे अवैध तरीके से आप देखेंगे बाउंड्री का निर्माण कराया जा रहा है और यह रास्ते से विद्यालय का रास्ता भी, विद्यालय भी इसी रास्ते से बच्चे आते जाते हैं। खेर माता का मंदिर भी रास्ता है और इसी रास्ते से जो भी व्यवस्था होती लोगों के आने जाने की होती है। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और इसमें दबावपूर्ण जबरदस्ती इस पर कब्जा किया जा रहा है, जबकि यह जानकारी आई है कि यह पूरी ज़मीन जो है नहर की ज़मीन है। शुक्ला जी की तो इनकी चर्चा हुई मोहल्ले में और एक पक्ष तरीके से पूरा आप देखेंगे कि रोड बंद कर दिया गया है और यहाँ से आने जाने से लेके सारी समस्या इतनी विकराल रूप में हो जाएंगी कि अगर कोई कोई समस्या आती है तो यहाँ कोई फायर ब्रिगेड आ सकती है, इसके बाद ना मेडिकल सुविधा कोई मिल पाएगी। और प्रशासन को 7 दिन से निरंतर हम लोगों को जानकारी दी जा रही है लेकिन अभी तक इस पर ध्यान दिया नहीं जा रहा है। एक निर्माण हो रहा है, यहाँ से मंदिर का रास्ता है, स्कूल का रास्ता है, यहाँ से कुछ भी सुविधा नहीं मिलेगी हमको, ना एम्बुलेंस आ पाएगी, ना मंदिर जाएंगे, या जवारे निकलते सब कुछ जाता है। और इस जो सरकार को जानकारी दी गई है प्रशासन को, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या इसके अलावा कोई और मार्ग है यहाँ पे? यहाँ मार्ग नहीं है, इसके अलावा यहाँ से कोई मार्ग नहीं है। तो पूरा सड़क बंद हो जाएगा, पूरा रास्ता ही बंद है, आगे जाओ सबका बंद हो जाएगा। दलित मोहल्ला है, यहाँ पर हमारा स्कूल है तो बच्चे आते जाते हैं और अगर इस रास्ता बंद कर दिया जाएगा तो बच्चे स्कूल कैसे आएंगे? फिर ये हो सकता है कि बच्चे फिर या तो पढ़ने ही नहीं आएंगे। और यहाँ पे मंदिर भी है, रामनवमी चल रही, जवारे ववारे भी निकलते हैं तो फिर कैसे आएंगे जाएंगे लोग? इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, फिर बच्चे भी नहीं आ पाएंगे, स्कूल नहीं आ पाएंगे, एक ही रास्ता वो भी बंद कर दे रहे। तो ये हमारा है कि ये काम अब रोका जाए, जो अवैध काम चल रहा है इसकी कार्रवाई की जाए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो हमारी पूरी बस्ती है ये पूरी 300 घरों की बस्ती है और यहाँ ये एक ही रास्ता है जो आने जाने का है। यहाँ से एम्बुलेंस भी आती है, बाकी बड़े बड़े वाहन भी आते हैं, तो ये बाउंड्री बनने से ये सब पूरा जाम हो रहा है, जिससे अभी पूरा कार्य निर्माण नहीं हुआ है लेकिन फिर भी अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी गुजारिश है कि इस बाउंड्री को तोड़वाया जाए ताकि हमें भविष्य में या फिर आने वाले समय में कोई ऐसे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।